वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट किया है। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं काइंड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्लासिफिकेशन कैसे होती है या काइंड्स क्या होती हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज डिवाइडेड इन टू बेसिस, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो वर्किंग कैपिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, एक टाइम के बेसिस पे। सो इसकी क्लासिफिकेशन में जो कॉन्सेप्ट की क्लासिफिकेशन है उसके आगे टू पार्ट्स होते हैं, एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और दूसरी होती है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है जो टोटल अमाउंट हम करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं इन अकाउंटिंग ईयर, तो उसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और जो नेट वर्किंग कैपिटल होती है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी, तो जो उन दोनों में से डिफरेंस निकलता है उसको नेट वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट इट इज ऑफ टू टाइप, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे भी जो वर्किंग कैपिटल है इसके दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट होता है परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल, सेकेंड होती है टेम्प्ररी और वेरियल वर्किंग कैपिटल। तो जो है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, तो टाइम के बेसिस पे वर्किंग कैपिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो फिक्स्ड होती है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है जो परमानेंटली हमें जो है रेगुलरली बिजनेस में चाहिए, और दूसरी होती है टेम्प्रेरी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल जो हमें थोड़े टाइम के लिए जो है कम टाइम के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। सो जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है जो हमें फिक्स टाइम के लिए चाहिए, इसको भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट है रेगुलर वर्किंग कैपिटल, सेकेंड वन इज रिजर्व वर्किंग कैपिटल। तो जो फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल है, इसमें जो रेगुलर वर्किंग कैपिटल है ये हमें रेगुलरली चाहिए फॉर द रेगुलर एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, जैसे सैलरी पे करनी है, वेजेस, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो रेगुलरली बिजनेस में होते हैं, उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए कुछ अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट की जाती है। दूसरी होती है रिजर्व वर्किंग कैपिटल, इसमें कुछ पार्ट हम रिजर्व रख लेते हैं वर्किंग कैपिटल का फॉर फर्दर यूज़। उसके बाद जो टेम्प्रेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल है, इट इज़ नीडेड फॉर द सीजनल डिमांड इन द बिजनेस, तो सीजनल डिमांड अराइज होती है उसको फुलफिल करने के लिए जो है वो टेम्प्रेरी और वेरिएबल जो वर्किंग कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसको भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक सीजनल वर्किंग कैपिटल और एक स्पेशल वर्किंग कैपिटल। एक सीजनल होती है जो जिसकी सीजनल डिमांड के लिए होता है, अराइज होती हैं, इसमें पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, और दूसरा होता है स्पेशल वर्किंग कैपिटल, ये कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स जब बिजनेस में अराइज होती हैं उसके लिए जो पैसे हैं इसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से हम समझ आ रहा है कि जो वर्किंग कैपिटल है, जो पैसे हम शॉर्ट टर्म के लिए विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर अकाउंटिंग ईयर उसके लिए जो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाते हैं उसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। और वर्किंग कैपिटल की आगे डिवीजन जो है इस बेसिस पे होती है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, उसके आगे फिर आगे उसकी आगे डिवीजन की हुई है। तो यहाँ पे आपका काइंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का टॉपिक खत्म हो रहा है। थैंक यू।